मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। देखा देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जा, मत जा, मत जा। मैं जबान दे चुका हूँ, जबान वापस ले लो। लेके जाओ भांडों को, इनको अलग करो। सुखी था दिख रहा? अरे बैग ले रहा हूँ। जो बेचारो रड़तो रड़तो जाए छे। रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा, अब पता चलेगा कि मैं कितना चालाक हूं। गुंगा बेरा भी गया, बोझ भी गया और नाव भी मिल गया। और सुनो, तू नीचे करके खड़े रहो, यहीं कोई पहचान ना ले। यही रहता उस्मान छक्का। उस्मान छक्का? सचा का खास आदमी था। एक दिन पिछवाड़े में थोड़ा भोग कर तकिया लेकर भाग गया। समझ रहा हो, वही तकिया तुम लोगों को लेके आना है। जाओ। तकिया मतलब पिलो? यस। आप हमको इतनी दूर तकिया लेने को लाए? यस। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं नया तकिया ले आता हूँ ना चोर बाजार से, मैं भी चलता हूँ इसके साथ। चलो, चचा का खास तकिया है वो चाहिए तो चाहिए, बात फिनिश। जाओ उस्मान छक्के से तकिया लेके आओ, जाओ। उस्मान छक्का के सच्ची में यूनक है? क्या बोला रे? वो पूछ रहा है क्या उस्मान हिजड़ा है? प्लॉट नंबर 3, बंगला नंबर 3, 3x3 छक्का, आई मीन सॉरी 6 सर। गुड, जाके लेके आओ। तो शिवरी की ना, तो आप नहीं चलेंगे साथ में? मुझे पहचानते हैं यहाँ, मैं गया तो भारत पाकिस्तान मैच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे? अबे यहीं पे निकले। नाम लेते लोग रोने लगते हैं। चुप गए, लगता है किसी की डेथ हुई है अंदर। चल। अरे बहन जी, वो उस्मान भाई कहाँ है? क्या हुआ ब्रो, क्यों नहीं? हेलो, यहाँ पे क्या किया तूने? कुछ किया नहीं भाई साहब, मैं खाली बहन जी से पूछ रहा था उस्मान भाई कहाँ है। वो तो चले गए, वो देखो वहाँ बच्चों की तरह सो रहे हैं। अरे उस्मान भाई, अरे खुदा को भी आपको आज ही उठवाना था। अरे जाते जाते कम से कम बता के तो जाते। अरे उस्मान भाई, मैं नहीं हूँ अंदर है। सॉरी। अबे उस्मान छक्का तो मर गया, लेकिन सब तकियों में से अपना तकिया कौन सा है? ये आंटी हंस रही है, रो रही है? कैसे हो भाई लोग? सलाम आंटी। सलाम। मैं आंटी होगा तेरा बाप। मैं भी ड्रॉप किया था मुन्ना। मिसेस मुन्ना, ओ नमस्ते। नमस्ते। आपके हस्बैंड आज सुबह आए थे। हाँ, मैयत में निकाह पड़ रहा है। आप यहाँ? मामला टेढ़ा हो गया, उस्मान भाई खाके सुपुर्द हो गए। तो प्लान कैंसिल? हट, ये बड़ी जल्दी रहती है, प्लान कैंसिल। ये ले प्रोग्राम शुरू। आखिरी उल्टी शरीफ है। तो हमने क्या किसी चंबल के डाकू के साथ शादी फिक्स करवाई थी? ये प्यार व्यार कैसे हो गया? और उस बुड्ढे को कौन समझाएगा? उस बुड्ढे को कौन बुड्ढा? अरे वही गुंगरू। अच्छा। जिसे हमारे हमारे पैरों में होना चाहिए था, इन्होंने उसे गले लगा लिया। अब वो हमारे पैरों में घुंगरू बांधकर हमें कोठे पे नचवाएगा। शादी का प्रोग्राम फिट कर दिया, उसे पता चलेगा तो 10 बार मरेगा और 100 बार गालियां देगा वो अलग। भाई लोग हैं, बांट के खाएंगे, 50 में तू खा लेंगे। भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे। वो तेरी, वो तुम लोग खाओगे। तुम लोग फेंक के सगो बहुत मुबारक हो कर रहे थे ना, अब भुगतो। आप लोग यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? क्या बात क्या? आइए आइए बैठिए। आइए नमस्ते। आइए आइए बैठिए। रवि, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नाश्ता? नाश्ता नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, होली हो जाएगा। हाँ? क्या बात? शीरीन फरा। शीरीन फरा? हाँ, मतलब एक बार प्यार हो जाए तो। मैं समझा नहीं। शादी तो ऊपर से भगवान, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हो उदय जी? अरे कहने दो, यही तो सुनने के लिए कब से काम तरस रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं?
रिश्ता नहीं हो सकता मतलब क्या बोल? मतलब आप लोगों का दिमाग तो ठिकाना है। मैं दूल्हे की घोड़ी से लेकर डीजे तक सब बुक कर चुका हूँ। और तो और वो नागिन की धुन पे कौन कब नाचेगा वो भी सब तय हो गए। अब बताइए घोड़ी पे कौन बैठेगा, हम नागिन पे कौन नाचेगा, मुझे बताइए। बहन की मेहंदी से लेकर गलर मेहंदी तक सब तय किया। कौन सी मेहंदी? गलर मेहंदी। लेकिन वो क्या है, दूसरे के प्यार में अटक गए तो भगवान के लिए बुरा मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुशी के मारे भिखारियों में कंबल बांटूंगा। भिखारी बोल के हमारी तरफ इशारा? अरे इनकी बात कर क्या? मिस्टर उदय शेट्टी। यस। मेरे बेटे ने